किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कीटनाशक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फ्लावरिंग के स्टेज में भी चलता है और यह मधुमक्खियों को किसी भी तरीके से बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाता है। जो किसान भाई खास करके फूल वाले खेती करते हैं या बागवानी फसल लगाते हैं, उन किसान भाइयों के लिए यह कीटनाशक बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है। तो किसान भाइयों, यह कौन सा कीटनाशक है, कौन से कंपनी का कौन सा ब्रांड है, पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका अपना किसान दोस्त मुकेश प्रधान और आप लोग देख रहे हैं सीजी किसान टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित सभी दवाइयों की A to Z जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बायर कंपनी की सिवांटो कीटनाशक के बारे में बात करेंगे, जो कि फ्लावरिंग के स्टेज में चलने वाला एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। इसका जो केमिकल एंड कंपोजिशन है, इसमें फ्लूपायरा डिफ्यूरान 17.09% जो कि SL फार्मुलेशन में आता है, यानी कि लिक्विड फार्मुलेशन में आता है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं सिवांटो कीटनाशक किस तरीके से काम करता है। तो सिवांटो कीटनाशक में फ्लूपायरी डिफ्यूरान 17.9% में आता है। फ्लूपायरी डिफ्यूरान बेंटोनियोलाइड ग्रुप का एक सिस्टमिक कीटनाशक है। फ्लूपायरी डिफ्यूरान कीटों की निकोटिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर पर काम करके कीटों की सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और उन्हें लकवाग्रस्त कर देता है, जिसके बाद जो कीट है यह चल फिर नहीं पाते हैं, भोजन नहीं कर पाते हैं और 24 से 48 घंटे के बाद इनकी मृत्यु निश्चित ही हो जाती है। इसमें एडल्ट साइड एक्शन भी है, इससे यह जो प्रौढ़ अवस्था वाले कीट होते हैं, जो बूढ़े कीट होते हैं, यह उन्हें भी बहुत ही अच्छी तरीके से मार सकता है। इसी के साथ इसमें लार्वा साइड एक्शन भी है, इससे यह जो कीटों की लार्वा की अवस्था होती है, यह उन्हें भी बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। तो किसान भाइयों, यह था सिवांटो कीटनाशक की काम करने का तरीका। अब जान लेते हैं सिवांटो कीटनाशक कौन कौन से कीटों को नियंत्रण करता है। तो सिवांटो कीटनाशक में एक ही केमिकल पाया जाता है और यह जो एक ही केमिकल है, यह चूसने वाले और चबाने वाले दोनों प्रकार के कीटों को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। चूसने वाले कीटों में यह मुख्य रूप से APJC, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी को नियंत्रण करता है। इसके अलावा जो चबाने वाले इल्ली होते हैं, जैसे कि तना छेदक इल्ली, फली छेदक इल्ली, इसके अलावा जो सूट बोरर होता है, तंबाकू कैटरपिलर जैसे इल्लियों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभावी ढंग से नियंत्रण करता है। किसान भाइयों, क्रॉप स्प्रे की बात करें तो सिवांटो कीटनाशक को बैंगन, मिर्च, भिंडी, गोभी जैसे फसलों के साथ साथ लगभग सभी प्रकार के फसलों पर इसको स्प्रे कर सकते हैं। वही इसकी डोज की बात करें तो सिवांटो कीटनाशक को बेस्ट रिजल्ट के लिए प्रति एकड़ 300 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए और प्रति पंप 30 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। जो 20 लीटर वाला पंप होता है, 20 लीटर वाले पंप के लिए आपको 40 ml सिवांटो कीटनाशक को लेना चाहिए। सिवांटो कीटनाशक की रेन फास्टनेस 1 घंटे का होता है। इसको स्प्रे करने के बाद फसल और जो कीट है इसके ऊपर काम करने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। सिवांटो कीटनाशक को स्प्रे करने के बाद यह हमारे फसलों पर 10 दिनों तक काम करता है और इसको स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 24 से 48 घंटे के बाद देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, कॉम्बिनेशन एंड स्टेज की बात करें तो जो सिवांटो कीटनाशक है, इसे आप फसल की किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं और इससे आप दूसरे जो कीटनाशक है, फफूंद नाशक है, इनके साथ भी कॉम्बिनेशन करके मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। अंत में बात करें इसकी पैकिंग एंड प्राइस क्या है, तो सिवांटो कीटनाशक आपको 100 ml 250 ml के पैकिंग में मिल जाएगा। वही इसकी कीमत की बात करें तो 100 ml का जो पैकिंग है, यह 412 रुपये के समथिंग में मिल जाता है। इसकी कीमत पर अलग अलग राज्यों में 5 से 10% तक कम या ज़्यादा हो सकती है। यह आपके तरफ कितने प्राइस पर अवेलेबल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।